अस्सलामु अलैकुम व्यूज़, उम्मीद है कि आप भजन सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो में जो मैं अमल आप भाइयों को बताने वाला हूँ इंतहाई आसान अमल है, क्योंकि इस अमल की ना ही कोई ज़कात है और ना ही इसको करने का कोई ख़ास दिन या टाइम मुकर्रर किया गया। आप ये अमल किसी भी दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं, इंतहाई आसान अमल है। और इस अमल में ना ही मैं कोई बात छुपाऊंगा, ठीक है। काफ़ी आमिल होते हैं जो कि काफ़ी जो पॉइंट की बातें होते हैं वो लोगों को नहीं बताते, तो जिसकी वजह से अमल नाकाम होते हैं और उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैं उन जैसों में से नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अमल बताता हूँ मुकम्मल तसल्ली से बताता हूँ और अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि जो मुझे आसान से आसान अमल लगता है वो आप भाइयों को बताता हूँ। तो आज का भी अमल कुछ ऐसे ही है, इंतहाई आसान अमल है और मुजरब अमल है। इस अमल की जो मुझे बात पसंद लगी है, जो कि इस अमल की बहुत बड़ी खासियत है, वो ये कि ये अमल ना ही ब्लैक मैजिक है और ना ये सफली और ना ही ये नूरी है, ये वाइट मैजिक का अमल है। वाइट मैजिक उस अमल को कहते हैं जिस अमल से ना ही कोई मुसलमान अपने इस्लाम से खारिज हो और ना ही उस अमल में किसी भी चीज़ की बहरूमती की जाए। मतलब ये कि काफ़ी ब्लैक मैजिक के अमलों में कुरान पाक या दूसरे अल्लाह ताला के नाम या ये वो उसमें बहरूमती की जाती है, लेकिन वाइट मैजिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप भाई रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आके वाइट मैजिक के ही अमल बताया करूँगा, लेकिन वाइट मैजिक से आप जायज़ और नाजायज़ दोनों काम ले सकते हैं, लेकिन खुदारा इसका जायज़ ही इस्तेमाल किया करिएगा, क्योंकि अगर कोई नाजायज़ करता है तो उसके गुनाह का ज़िम्मेदार वो खुद होगा और अल्लाह ताला की तरफ से जो अजाब आएगा वो उस पर ही आएगा। आप भी लोग सोच रहे होंगे कि हाफिज़ साहब ने थंबनेल पर इतनी बड़ी शर्त रख दिया कि अगर ये अमल असर नहीं देता तो आप मेरे चैनल पर थूक कर जाइएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि इस अमल में कुछ ऐसी खासियत होगी तो हाफिज़ साहब ने आज से पहले ऐसी कुछ बात नहीं कही। तो जी हाँ, इसमें बहुत बड़ी खासियत है। ये मेरा आजमूदा छोड़ें, ये लोगों का आजमूदा अमल है, तो ये आम इंसान भी कर सकता है। इसके लिए ना ही बातनी आँखें खुला होने ज़रूरी है ना ही कुछ, ये सादा आम इंसान इस अमल को कर सकता है। ऐसे समझे कि इस वीडियो में आप भाइयों को तोहफा दे रहा हूँ, लेकिन इस तोहफे की मैं छोटी सी शर्त रखूँगा, शायद वो आप भाइयों के लिए बड़ी हो, मुझे तो वो छोटी ही लगती है। वो शर्त ये कि जो बंदा YouTube पर मेरी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करेगा, मुकम्मल देखेगा, शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखेगा, एक ज़रा सा भी स्किप नहीं करेगा, ना ही डाउनलोड करेगा, YouTube पर इसको मुकम्मल देखेगा, उस बंदे को इजाज़त दी जाती है। जो कोई दूसरे प्लेटफार्म पर मेरी ये वीडियो देख रहा है व्हाट्सएप पर या किसी दोस्त से, तो उसको इस अमल की इजाज़त नहीं है, वो ये बंदा अमल नहीं कर सकता। मेरे चैनल पर इस वीडियो को मुकम्मल देखे, चैनल का नाम है तलिस्माती अमलियात। अगर आप भाई नहीं जानते तो आप भाइयों को बताता चलूँ, अमल इंतहाई आसान है। तो जो बंदा ये अमल कर लेगा उसको अपना महबूब मिल जाएगा, या किसी से भी कोई भी बात मनवानी हो इंशाल्लाह वो 101% मानेगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। एक और बात, आप भाइयों ने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि सिर्फ 3 सेकंड में आप भाइयों का काम होगा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेकंड में ही होगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। जैसा मैं आप भाइयों को कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना है, 3 सेकंड में होगा और ना ही कोई गुंजाइश है इस अमल का असर ना होने की। इंशाल्लाह आप भाइयों को भरपूर और मुकम्मल इस अमल का असर मिलेगा। वो आप भाइयों की मर्जी है, जायज़ में करें या चाहे नाजायज़ में, वो आपके ही सर दर्द है।
मेरा तो हक है कि अमल बताना, आगे आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से यूज़ करें वो आपकी लाइफ है। तो अमल कुछ ऐसे है, ये रहा वो तावीज़ जो कि आप भाइयों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे तावीज़ भी कह सकते हैं आप, नक्श भी। तो इस नक्श को आप भाइयों ने दाएं हाथ पर लिखना है, ठीक है, अपने दाएं हाथ पर इसको राइट वाली साइड से लिखना शुरू करना है और मुकम्मल इस तावीज़ को अपने हाथ पर लिख लेना है। लिखना किस चीज़ का है, आपने इसको ज़ैफ़रान से लिखना है। ज़ैफ़रान आपको कोई भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी आसानी से, आपने वो ले लेनी है और किसी भी पैन में या किसी भी चीज़ में डालकर गाढ़ी करके ज़ैफ़रान, तो ये तावीज़ लिख लेना अपने हाथ पर। तो लिखने के बाद आप भाइयों ने अपना हाथ बंद कर लेना या छुपा लेना है। जिस भी शख्स को कोई भी काम आपने लेना हो या जिससे आप मोहब्बत करते हो वो आपका महबूब हो या आपकी बात ना मानता हो, सो मसले मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, कोई भी मसला हो, किसी शख्स से कोई भी मतलब लेना हो, तो आपने जाकर वो तावीज़ जो लिखा अपने हाथ पर उसको दिखा देना है, अगर पॉसिबल है तो। होगा कुछ भी नहीं, वो पूछेगा कि ये क्या, आपने कहना है कि कोई भी फिल्म सुना देनी बस। दूसरा, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये है कि आपने सिर्फ उसके साथ हाथ मिला लेना है। जी हाँ, हाथ मिलाने से कुछ ऐसा होगा कि तब भी असर होगा इस अमल का, वो आप भाइयों का ज़िंदगी भर के लिए ताबिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।